हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनिसास मैक्रम फूड एंड ब्लॉग्स में। तो आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज कल शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, एक घंटे में मैंने चिकन, चावल और रोटी बनाया है लंच के लिए, और इनको टिफ़िन भी दिया मैंने। तो सब कुछ कुछ कैसे भाग भाग के हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी। उसमें हर्ष को खाना भी खिलाया मैंने, खुद भी मैंने आम खाया, मैं सब कुछ उसमें मैंने कर लिया। तो अब ना देखिए, आप इस ब्लॉग के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दिन की शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग के साथ, और सुबह का टाइम है। तो सुबह का जो टाइम है ना, 8 बज रहा है, लेकिन गर्मी धूप आप देखिए, इधर का धूप कैसा भयंकर धूप निकला है। और सुबह मॉर्निंग की शुरुआत चाय से हो गई है, चाय पी लिया है मैंने। अब बस जा रहे बच्चे को दूध पिलाने के लिए, खुशी को दूध दे दिए, खुशी दूध और टोस्ट खा रही है, और हर्ष को मैं जा रही हूँ दूध पिलाने के लिए। का जो शेड्यूल था क्या था, आज मुझे मैक्रम भी बनाना है, मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी जल्दी जल्दी से काम निपटा करके और उसके बाद फिर मैक्रम, और जो कुकिंग का कुछ होगा सूट तो वो उस कर लेंगे। सारा दिन आज फिर से बिज़ी रहने वाला है, ऐसे डेली बिज़ी ही रहता है, आज भी हर एक दिन की तरह आज भी वैसे ही बिज़ी रहेगा। खुशी दूध पी ली, कितना बाकी है? थोड़ा सा। अच्छा, और टोस्ट खा ली? हाँ। अच्छा, टोस्ट वाला दूध क्या की? बाप रे बाप, मैं पीऊंगी उसको। हाँ। अच्छा, ये चम्मच लेके नहीं फिर, जल्दी जल्दी फटाक से पी लो, उसके जाके पढ़ाई कर लो, जाओ। मैं कर दूंगी घर समेटने में। हाँ। अच्छा ठीक है। जबरदस्ती दूध पिला रहा है, उसमें से बच गया, उसको पता है कि अब उसको हम जबरदस्ती दूध पिलाएंगे तो वो मुझे ही दूध पिलाने लगा जबरदस्ती। 9 बज गया है, तो जाते हैं अब कुछ नाश्ता बनाते हैं। अभी पूरा किचन काम बिखरा हुआ है, क्योंकि चाची आती है काम करने के लिए, तो वो झाड़ू पोछा और बर्तन कर देती है। तो अभी तक 9 बज गया है, आज बहुत लेट हो गया, ऐसे तो 8 बजे आ जाती है, करना होगा, इंतज़ार करते हैं। 10 बजे तक का रहता है टाइम, 10 बजे तक आ सकती है, पर नहीं आएंगी तो कर लेंगे खुद से। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या मैनेज होता है, हो सकता है आ भी जाए। खुशी हर्ष में विश्वास डाल दी हो? हाँ। तो अभी चाची आज अभी आ गई है, तो चाची को चाय दिए और बिस्किट दिए चाची को, तो थोड़ा सा चाय बच गया है, तो थोड़ा सा चाय मैं भी पी लेती हूँ, और बच्चे लोगों को यहाँ पे नहा धो करके मैं खाती हूँ। अच्छी बात है ना, तो हाथ धो के स्कूल में तो यही सिखाया गया, घर में तो यही बोलते हैं। खाती ही वो हाथ धो करके स्कूल में। हाँ। हमेशा तो हाथ धो के खाना ही चाहिए। हाँ। और ये छोटू महाराज जी मोबाइल देख करके नाश्ता करना है, थोड़ा है और मेरा नाश्ता हो जाएगा मैंगो आज खा लेंगे, 2 मैंगो खा लेंगे। तुमको मैंगो चाहिए? तुमको भी दे देंगे, हम काटेंगे अपने लिए ना, तो तुमको दे देंगे मैंगो, बड़ा वाला मैंगो लेगी, हम बड़ा लेंगे। खुशी मम्मा बड़ी है तो मम्मा बड़ा वाला, तुम छोटी है तो छोटा वाला, छोटा ही चलेगा। तो ठीक, तो अब लंच की तैयारी करना है, नॉनवेज बनेगा, इसलिए बनेगा नॉनवेज क्योंकि आज मंडे है, और थर्सडे से गुरुवार से सावन लगने वाला है, तो सावन लगेगा तो हम लोग 1 महीना नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आज खुशी के डैडी का बर्थडे भी है, तो इसी हिसाब से हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि 11 बजे उनकी ड्यूटी के लिए निकलना है, टाइम भी नहीं है। तो और वो अपना बर्थडे वो बहुत सिंपल से मनाते हैं, कुछ जैसे हम लोग मनाते हैं ना, केक काटते हैं और बैलून्स ये सब सजा लेते हैं, पर वो सिंपल से ही अपना बर्थडे मनाना उनको अच्छा लगता है। तो अभी गए हैं, पहले तो था सादा खाना बनने का, वेजिटेरियन खाना सब्जी, पर अभी प्रोग्राम हुआ कि थर्सडे को सावन चढ़ने वाला है, तो आज नॉन वेज खा लेते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को हो सकता है कि ड्यूटी रहे, तो ड्यूटी जाना होगा, तो हो सकता है बने, हो सकता है ना भी बने, चांसेस 50-50 का है, तो आज 100% है, तो आज खा लेते हैं और वेडनेसडे को देख लेंगे, अगर होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो नहीं भी खाएंगे, तो कोई बात नहीं। खुशी को चिकन बहुत पसंद है, वो मछली नहीं खाती है और मटन भी नहीं खाती है, बस चिकन और अंडा उसको पसंद है। क्यों खुशी? खुशी आज मटन बनने वाला है, खाएगी ना? मटन बनने वाला है, चिकन खाएगी? चिकन के जबरदस्ती खाना खिलाओ तो खाएगा, नहीं खिलाते नहीं खाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ना जल्दी जल्दी खाना ये लोग कर लेते हैं, 9:30 बज गया है,
हमको एक डेढ़ घंटे में खाना बनाना है, तो आज चिकन कुकर में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। चिकन चावल रोटी सब बनाना है, टाइम नहीं है, ऐसे पटक 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 से काम करना पड़ेगा। इस बीच में हर्ष के मुंह में भी बाइट डाल देते हैं कि वो उसका भी प्रोसेस चालू रहे। ऐसे कुछ और रहता है दलिया वगैरह रहता है तो चम्मच से भी खिला देते और प्याज भी कटिंग करते हैं, पर अब पराठा खिलाना है तो पराठा के लिए तो अब दोनों हाथ इंगेज कर प्याज काट नहीं सकते हैं। और आएगी पर चाची आ गई, 9:30 बजे चाची आ गई, तो अब वो अपना काम कर रही है, तब तक किचन क्लीन हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी फिर किचन में अपना लंच की तैयारी दिन के खाने की। अपना ब्रेकफास्ट जो मेरा नाश्ता है, मैंगो खाना है मुझे, जाके मैं मैंगो खा लेती हूँ फटाक फटाक। तब तक मैं चावल और चिकन हो जाएगा, उसके बाद फिर गैस को अच्छे से पोछ करके फिर रोटी बनाएंगे, ड्यूटी के लिए देना है लंच का, फिर मैक्रम का शेड्यूल चालू होगा, बच्चे लोग को नहाना खाना ये सब अब रहेगा, अब खाना बनाने का टेंशन ख़त्म, अब सीधे रात में रोटी बनेगा। फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आ गई हूँ और बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस लग रही है, अभी मौसम भी हल्का सा बादल छाया हुआ है तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। खुश शाम का टाइम हो गया, खुशी पेड़ में पानी दे रही है, थोड़ा सा ही पानी देना बेटा। मम्मा आया है तो जाते हैं दूध बॉईल कर लेते हैं, उसका चाय थोड़ा सा चाय बना के पीते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सर दर्द हो रहा है। ऐसे गर्मी में चाय तो नहीं पीना चाहिए बट अभी ज़रूरी लग रहा है क्योंकि सर दर्द हो रहा है, तो दूध को बॉईल करके और चाय बना लेते हैं। अब एक तरफ है ना, थोड़ा सा दूध बॉईल करके चाय बना लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, दूध बॉईल, अब 1 लीटर दूध है उसको बॉईल होने का इंतज़ार करो उसके बाद फिर चाय बनाओ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फटाक फटाक काम करना है। थोड़ा सा अब जाते हैं चाय पीने के बाद, अगर हर्ष उठ गया तो फिर हर्ष को खाना खिलाना है, उसका दूध में रोटी डाल करके उसका भिगा दिए थे तो दूध रोटी उसको खिला देंगे और मैं थोड़ा सा चाय बना के पी लेती हूँ। रेडी हो गया है दूध को, मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, अब जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मैं ना दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फैन को स्विच ऑफ कर लेते हैं और 2 बिस्किट तो लगता है जब भी चाय। हाँ बेटा ठीक है, गेट लगा लेते, तुम जाओ, जा रही है नीचे खेलने के लिए, शाम का टाइम हो गया है अब फिर उसकी मैम भी आ जाएगी, तो नहीं जाएगी खेलने के लिए तो फिर घर में ही बंद रह जाएगी, फिर इसलिए बोले कि जाओ जाके खेल लो नीचे, तो गई है खेलने के लिए। अब हो गया, अब मैं भी अब देखती हूँ हर्ष अगर उठा तो मैं भी थोड़ा कैंपस में जाऊँगी, सभी लोग बैठी होंगी तो वहाँ भी कुछ बैठ कर के कुछ बातें करूँगी सभी दोस्तों से। जा रही हूँ मैक्रम का तैयारी करने के लिए, मैक्रम का पहले अरेंज करके रख लेती हूँ, तो कलर तो वाइट कलर नहीं मिला मुझे, जाती हूँ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल सीक्रेट रहेगा क्या है पर आप समझ गए होंगे सामान देख करके कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, बीच में कुछ दिखा दूंगी क्या बना रही हूँ। चलिए अभी सो के उठा है 7:30 बजे, 4 घंटा सोया है, तो सोने के बाद क्या हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल स्लो पड़ गया है,
नहीं तो बिल्कुल चार्ज रहता है, खुदकते रहता है इधर से उधर, और अभी इसको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका मन बहुत ज़्यादा ये है। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना हो गया है और बच्चों का मैंने मच्छरदानी लगा दिया है और बच्चे सब, दोनों बच्चे सो रहे हैं और हम लोग का भी स्लीपिंग टाइम हो गया है, 10:30 बज रहा है। तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे जरूर मेरे ब्लॉग को आप लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, मस्ती में रहें, खूब हंसे, खूब खेलें।